तो गाइस यहाँ पे सुबह सुबह जाना पड़ रहा है तैमूर को लेके मुझे डॉक्टर के पास। तो मैं रास्ते पे हूँ, मैं गई थी डॉक्टर दिखाने के लिए, डॉक्टर चेकअप करके फिर मैं आई। अल्हम्दुलिल्लाह डरने के बाद नहीं है, थोड़ा सा जुकाम और बुखार है तैमूर को। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कोई अच्छे हैं गाइस। तो आज सुबह सुबह वेदर भी बहुत अच्छा है, प्यारा सा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, धूप भी निकली है बारिश होने के बाद, तो माशाल्लाह से चलिए अच्छा ही लग रहा है। आज आज सवेरे से सब खाना कंप्लीट कर लूँ, चलिए उसके बाद आपके साथ मिलती हूँ। क्या क्या खाना बनाऊँगी वो भी शेयर करूँगी। और टाइम का थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, तो उसको अभी डॉक्टर दिखा के आई हूँ गाइस। तो चलिए उसको दवा भी खिलाना होगा, वो सब भी कर लूँ। गाइस नीचे जाने से पहले मैं कपड़ा उठा लूँ क्योंकि कपड़ा सूख गई है। तो ये सब जुबिया का कपड़ा मैं दे गई थी ऊपर। और तैमूर यहाँ पे बैठा हुआ है, देखिए गाइस। तो देखिए गाइस कितना अच्छा वेदर हो रही है। चलिए गाइस नीचे जाके आप लोग के साथ मिलते हैं। गाइस मैं अभी कर रही हूँ नाश्ता यहाँ पे, और तैमूर का खाना है। एचो मुखे दियो ना, मुखे दियो ना, एखने सो तातरी नहीं एसो। की कोरे ढाकना लगाबे देखिए दाओ, एखने एसो एचो बो एदिके राखो, एदिके रेखे ढाकना लगाओ। तो गाइस मैं यहाँ पे सब भिंडी था, तो मैं यहाँ भिंडी अदरक विनेगर दे के भिंडी का झाल बनाई हूँ। ये खट्टा खट्टा सा होता है, थोड़ा सा भिंडी था तो वो मैं बना ली। गाइस मैं यहाँ पर आलू भाजी के लिए आलू फ्राई कर रही हूँ, तो आलू फ्राई करके मैं अलग से उठा लेती हूँ, उसके बाद पटल फ्राई करती हूँ। पटल फ्राई हो जाएगा फिर दोनों को मिक्स करके बाकी सब मसाला दूंगी। तो गाइस यहाँ पे अच्छी तरीके से आलू लाल हो जाए, देखिए यहाँ पे मेरा आलू फ्राई हो चुका है। और यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ पटल फ्राई, और यहाँ पे मैं खिला रही हूँ कच्चू आलू चिल्ली, देखिए सालन ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। गाइस देखिए मेरे यहाँ पे दाल कंप्लीट हो चुका है, मैं सेंक बघार दे चुकी हूँ। ऑलमोस्ट मेरा खाना बन चुका है, यहाँ पे सब रेडी हो चुका है। प्रेशर कुकर में मैं सीख दी हूँ आलू गलाने के लिए, और यहाँ पे पटल आलू भाजी कंप्लीट हो चुका है। इसे मैं थोड़ा सा हल्का सा लाल कर लूँगी, बस कंप्लीट मेरा खाना पकाना। तो गाइस देखिए मैं यहाँ पे आलू लाल कर चुकी हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा हो जाएगा फ्राई, उसके बाद मैं बनाऊंगी सोयाबीन आलू की सालन। तो ये कंप्लीट हो जाने से हो जाएगी। तो गाइस देखिए सब्जी तो दोपहर में हो जाती है, सिर्फ रात के लिए सोचना पड़ता है। आलू फ्राई हो चुका है गाइस, अब मैं यहाँ पे मसाला भून रही हूँ, उसके बाद सोयाबीन लेके फिर भूनूंगी। तो गाइस देखिए मेरा यहाँ पर भुनना ही हो चुका है, अब मैं सोयाबीन दे दूंगी। भुनने के बाद गाइस आपसे मिलती हूँ। गाइस देखिए ये मेरा अच्छे तरीके से भुनाई हो चुका है सोयाबीन, अब मैं इसे आलू देकर अच्छे तरीके से दो तीन सीटी दे दूंगी, तो ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा गाइस। तो चलिए मिलते हैं पूरा खाना कंप्लीट करने के बाद। तो गाइस देखिए माशाल्लाह से मेरा खाना कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे सोयाबीन आलू भी कंप्लीट हो चुका है, और सब्जी तो सब दोपहर में ही हो जाती है, रात के लिए सोचना पड़ता है। तो आज थोड़ा ज़्यादा ही सालन किए हैं, घर में गेस्ट भी आने वाले हैं गाइस, इसलिए माशाल्लाह से गाइस मेरा खाना कंप्लीट हो चुका है। पटल आलू भाजी यहाँ पे हुआ, चिंगड़ी आलू कच्चू देकर, तो माशाल्लाह से कलर भी बहुत अच्छा आया है गाइस कंप्लीट। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, खाना का जगह होगा अभी, तो मिलती हूँ खाना खाने के बाद।
मेरे हस्बैंड जी आ चुके हैं दुकान बंद करके और जुबिया के स्कूल से लेकर। वेरी हैंडसम लग रहे हैं चश्मा में, काला चश्मा जचता है। ओ तैमूर क्या हुआ, जो अब्बू के साथ चले जाओ। तुम्हें हिम्मत बहुत बढ़ चुका है ना, है बपुरु बोतल ढकना मुखे दी दिए जाने आई बार खोल ला मैं खून এখনই আমি এই ঢাকনাটা বার করলাম। গাইস দেখি এই ঢাকনা ও পুরো মুখ কন্দে মে ঢুকা লিয়া আপনা পতা হ্যায়, আবে হাম হাথ সে নিকালে আগর নেই ক্যা হো জাতা আবি। এক তো বেসে তেবেত খারাপ হ্যায় উসকো পর আর ভি মুসিবত। নানি তুমি করছো অন নাই কাজ। তো গাইস দেখি ইয়াহা পে হাম লোগ কা খানে কা জাগা হো চুকা হ্যায়, আবে হাম লোগ ইয়াহা পে খানা খানে বৈঠেঙ্গে। না তৈমুর, তৈমুর মেরে পাস বৈঠা হুয়া হ্যায়। गाइज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का लंच हो चुका है। गाइज अभी मैं नमाज पढ़ के उठी हूँ, तो अब मैं तैमूर को जा रही हूँ सुलाने के लिए, उसके बाद आपके साथ मिलूंगी शाम के टाइम। तैमूर अल्लाह हाफिज कर दो। वीडियो स्टार्ट। गाइज मैं पुलिस गाज लगा रही हूँ, यहाँ पे केटो लगा दी, देखा दो। ठीक है, पानी देना पड़ेगा गैस इसमें, ये धो दूँ। फला गैस में अभी पीऊंगी चाय और तैमूर यहाँ पे खेल रहा है बिस्किट लेके। अबू को दे दो दो ठो। गाइस अभी बैठ बैठ के हम लोग हो रहे हैं बोर्ड, तो तैमूर भी जाने मांग रहे थोड़ा बाहर घूमने के लिए, उसका भी तबीयत अच्छा नहीं है, तो इसलिए तो हस्बैंड जी को कॉल लगा के पूछ रही हूँ कि वो हमें अभी बाहर थोड़ा घुमाने लेके जाएंगे कि नहीं। पार्क में लेके जाएंगे तो अच्छी बात है, तो चलते हैं कॉल करके जान लेते हैं। गाइस शाम का चाय पीना हो चुका है और मैं अभी जा रही हूँ तैमूर को लेके थोड़ा बाहर पार्क के तरफ में घुमा दूंगी, और थोड़ा सा बाइक से घूर के वो थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाएगा, क्योंकि उसका तबीयत अच्छा नहीं है, घिन घिन कह रहा है इसलिए, तो थोड़ा उसको पार्क में भी लेके जाऊंगी। तो चलिए गाइस वहाँ पे जाके मिलते हैं आपके साथ। गाइस अभी हम बाहर में है, बोलो जी। तो गाइज मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि रास्ते में बहुत म्यूजिक बज रहे थे, सब ने बॉक्स लगाया था और हो रही है यहाँ पे बहुत सारा पैंडल मतलब बनाया जा रहा है। दुर्गा पूजा सामने में है इसलिए, तो हमारे यहाँ के मोहल्ले में गली में आसपास के सब एरिया में बहुत ज़्यादा ठाकुर उठते हैं, तो इसलिए पूरा रास्ता भर लाइटिंग से सजाया जाता है। तो अभी से सब शुरू हो जा रही है तैयारी, तो यहाँ पे बहुत सारे पैंडल भी बन रहे थे, वही सब हम लोग देखते देखते हुए जा रहे थे गाइस। और हम लोग को जाना था पार्क में, और पार्क में बहुत भीड़ था, हद से ज़्यादा, बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पे थे, तो हम लोग और पार्क में नहीं उतरे, इतना सारा भीड़ देख के हम लोग आगे बढ़ चुके, क्योंकि मौका नहीं मिलेगा बच्चा लोग को झूला में उठने का इसलिए। तो देखिए गाइस कितना भीड़ है, तो हम लोग निकल चुके गाइस, आगे में बहुत भीड़ है पार्क में, तो हम लोग थोड़ा आगे से चले जा रहे हैं घूमने के लिए।
गाइस इतना शौक से हम लोग गए बाहर, पर हम लोग का बाहर जाना बेकार हो चुका। देखे तो कितना भीड़ है पार्क में, तो बच्चों का तबीयत खराब है, इतना लेके जाना सही नहीं रहेगा। तो लेट नाइट में जाती हूँ तब फाका रहता है, आज तो हद से ज्यादा भीड़ है, संडे भी है इसलिए शायद। तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे बाहर रास्ता रास्ता घूर लिए गाइस। और टैमून भी थोड़ा मूड अच्छा हो चुका है उसका भी, तो ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग जाएंगे पार्क में फिर भी वहाँ वीडियो करेंगे। तो गाइस हम लोग बाहर में थोड़ा चटपटा मटपटा ये सब खा पी के हम लोग आ गए हैं, तो अच्छा लगा, पेट भोजन हो चुका। तो गाइस ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ। तो देखिए तैमूर क्या कर रहा है, देखिए तैमूर तो YouTube फैमिली आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अभी रात के 8 बज रहे हैं, मैं जा रही हूँ ऐसा का नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद तैमूर को रात का डिनर कराऊंगी, उसके बाद हम लोग खुद डिनर करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे 11:30 बजे तक। तो गाइस यहीं तक ब्लॉग रख रही हूँ। और तैमूर बोल रहा है नहीं नहीं अभी अल्लाह हाफिज़ मत करो, यहाँ से आवाज कर रहा है। तो गाइस फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज, बोल दो अल्लाह हाफिज, बोलो अल्लाह हाफिज। नो अपना अप्पी को नहीं देगा गाइस अल्लाह हाफिज करने के लिए, खुद बोलेगा। और तैमू का पानी गिर गया था, कपड़ा चेंज करा दूँ मैं उसे। तो फिर मिलते हैं गाइस, अल्लाह हाफिज़।